जनपद में निकाय चुनाव में सभी सीटों पर सपा के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे, जिसके संबंध में सपा जिलाध्यक्ष बृजेश गौतम ने बताया कि निकाय चुनाव को लेकर सपा की तैयारियां पूरी हैं और सभी पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जनपद में 80 वार्ड हैं और 11 नगर पंचायत है। सभी प्रत्याशियों के विषय में गहन चर्चा की जा रही है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, हम लोग तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली बार जो कम वोट से चुनाव हार गए थे, उनको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी इस बार मौका दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए सपा जिलाध्यक्ष बृजेश कुमार गौतम ने कहा, समाजवादी पार्टी की तैयारी बेहतर है, शानदार है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी के को हराने के लिए हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। 80 वार्ड हैं, 11 नगर पंचायत हैं और महापौर है। सभी संभावित उम्मीदवारों के विषय में गहन चर्चा हो रही है, गहन विचार मंथन हो रहा है। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, उसका पालन करते हुए हम चुनाव मैदान में पूरी तैयारी कर ली है, उतरेंगे और चुनाव जीतने के उद्देश्य से उतरेंगे और जीतेंगे। क्या लग रहा है पिछले बार जैसे कुछ ऐसे भी प्रत्याशी थे जो कम वोट से मतलब आते हुए, क्या लग रहा है दोबारा मौका दिया जाएगा? हम हर तरह से सर्वे करवा रहे हैं। पार्टी की तरफ से तमाम सीनियर लोगों को, अनुभवी लोगों को लगाया गया है। इंटरनल भी जाँच करवा रहे हैं कि जिताऊ उम्मीदवार कौन है, और संगठन के तरफ से करवा रहे हैं। हर तरफ से जांच पड़ताल करके उनको उम्मीदवार बनाएंगे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का झंडा और लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यों में, समाजवादी पार्टी के आगे बढ़ाने में मजबूती दे रहे हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। क्या अपना नाम? मैं बृजेश कुमार गौतम, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी गोरखपुर।